तो मैंने चार टमाटर लिए हैं, इनको कट कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा लिया है तेल और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम बटर, और इसमें जीरा, दो लौंग, दो इलायची, और अब ये सारा टमाटर, थोड़ा सा नमक सॉफ्ट हो जाए जल्दी से। लहसुन और प्याज नहीं डाला क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि में हम लोग नहीं खाते लहसुन प्याज, इसलिए खाली टमाटर की ही सब्ज़ी बन रही है। बट बच्चों की फरमाइश है तो बनानी पड़ेगी ही। तो टमाटर अच्छे से पक गए हैं, अब इसका ना पेस्ट बना लेती हूँ। तो दोबारा से थोड़ा सा रिफाइंड और बटर, ये स्टार फ्लावर की छोटी सी लीफ, दालचीनी, एक बड़ी इलायची। सो मैंने पैन चेंज कर दिया क्योंकि वो आसपास जो था ना वो चलने जल गया था जब तक मैंने ये सब मसाले निकाले, और अब बस ये पेस्ट को इसमें डाल दूंगी। मसाले लिए हैं लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, जीरा पाउडर और गरम मसाला, ये पांचों मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको ज़रा अच्छे से मसाले के साथ पका लेते हैं। थोड़ा सा नमक और डालना है मुझे इसमें, थोड़ा नमक मैंने पहले भी डाला था, थोड़ा सा अब डालूंगी, और इसमें ऐड करूंगी थोड़ा पानी। अब इसमें ना एक चम्मच डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया। तो रेडी है हमारी बटर पनीर मसाला, अब मैं जल्दी से इनके पराठे बना देती हूँ। ये माही का टिफ़िन और बॉटल बैग का है इसका, जल्दी से टिफ़िन और ये डालो, जल्दी जाओ, बाय। इसीलिए आजकल दोपहर में सुखाती हूँ क्योंकि सूख जाते हैं एक दो घंटे में ही। आज शाम को हम जाएंगे मंदिर, तो शाम को मेरी जो पाठ कर रही हूँ मैं हैं वो रह जाएगा, इसलिए मैं अभी वो पाठ कर लेती हूँ ताकि शाम को भी हमें मंदिर ही जाना है। तो पाठ मैं अभी दोपहर में कर लेती हूँ, और फिर 2 बजे हैं, 2:30 पर बच्चों को लेकर आना है, तो मैं जल्दी से अपना पाठ करके आती हूँ। और पूजा का कोई टाइम नहीं होता, आप कभी भी कर सकते हैं सुबह शाम, और वैसे भी 9 दिन तो पूरे ही माता के हैं, तो दोपहर में भी मैं पाठ करूंगी अभी। तो बच्चों को लाते हैं और फिर जल्दी से उनको खाना खिला के तैयार भी होना है क्योंकि जाना है हमें, 4 बजे निकलना है।
और अभी कुछ टाइम ही तो बना होगा। हो गए हैं और यात्रा शुरू हो गई है। आज दूसरी जगह से स्टार्ट हुई थी तो ढूंढने में इतना टाइम लग गया। बस इस बार हल्के हैं, ये ज्यादा भारी नहीं है। हम दोनों जवान बच्चे पैदल जा रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं ना शैतान, वो दोनों अपने गाड़ी में, इसका तो ससुराल है अटेली, तो ये तो घर छोड़ा ही, और मेरे बच्चे नानू और मम्मी वो कार में गए और मैं इसके साथ पैदल। सही, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। शाम हो गई, अब तो धूप भी गई, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब तो इस टाइम सबसे अच्छा लगता है, सनसेट हो गया है ना, सूरज ढल गया है और हम एक ही झंडा ले जा रहे हैं, कभी ये ले लेती कभी मैं ले लेती हूँ, मिला ही नहीं। हम पहुँचे ही दोनों निफ्टी हमारा चल रहा है। हम दोनों पहुँचे ही इतनी लेट थे, पाँच, मैं तो सवा पाँच के बाद हूँ, पाँच, ये सवा पाँच पहुँची है शायद, मैं 5:20 पे पहुँची हूँ और ये तो 3 बजे पहुँचने वाली थी और मैं 4 बजे पहुँचने वाली थी। इतना चलता है, घंटा ही तो हुआ लेट यार, चलता है इतना। देखो यात्रा, हम निकली उससे पहले पहुंच गए थे क्योंकि लास्ट टाइम मैं इतनी जल्दी आ गई थी और 2 घंटे धूप में बैठे रहे, इसीलिए मैं 5 से पहले कभी घर से निकलती ही नहीं। हम बहुत 3 बजे आ गए थे लास्ट टाइम, 3:30, बहुत देर तक गर्मी में वेट किया। धूप होती ना इस टाइम तो, हाँ अब अच्छा लग रहा है। सितंबर वालों में तो फिर भी सीजन, अब तो देखो पेड़ वेड़ देखते हुए कितना अच्छा लग रहा है, इस टाइम में चलने में भी कितना मजा आ रहा है, तभी तो अच्छा लगता है। और भजन आगे पीछे चलते रहते हैं माता के, क्यों म्यूजिक भी है साथ, पी भी रहे हैं ठंडा बीच बीच में, ठंडा जल्दी उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। सही है, सरसों निकल रही है, बहुत प्यारा लग रहा है देख, ये जो बैकग्राउंड पिंक पिंक फ्लावर है ना वो भरे पड़े हैं देख। नहीं अपन जब देखते हैं ना मूवीज तो ये लगता है ना कि हाँ वो ही है, बिल्कुल सेम नीचे डले हो रहे हैं। हाँ वो देख कैसे पूरा पिंक फ्लावर नीचे है ना मेरे पास, हाँ वो कैसे फुल है पिंक फ्लावर की वजह से ही सुंदर लग रहा है ये पूरा। ये देख मंदिर दिख गया, अंधेरा हो रहा है, अंकिता की शक्ल तो दिख रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा हो गए दर्शन, बड़े अच्छे से हो गए बाहर से ही, अभी इतनी भीड़ नहीं है, आ रहे हैं लोग झंडा ले लेके ना, और
नानू भी आज तो मेरे साथ ही गए। ओके हो गए दर्शन, सही है ना? टाइम से कितना बजा है? 7:30 हुए हैं अभी तो, और शुरू हुआ था 5:30, दो घंटे में पहुंच गए हम, और शायद 10 किलोमीटर तो हो गई। हम सबसे पहले ही आए हैं, पीछे देखो कितना सुंदर लग रहा है दरबार। पांचवा नवरात्र है आज, और हर पांचवे नवरात्र को जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी, हो रही है जागरण की तैयारी। आ जा रही। चलो, कितना सुंदर दरबार लगता है ना। हम हो आए अंदर, और अब हम जाएंगे वहां। और जो मम्मी के साथ ये ब्लू कलर के सूट में जो मैम बैठी है ना, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा था, पता नहीं क्यों, बट बहुत बहुत अच्छा लगा था। कई बार ऐसा होता है कि आप अचानक कहीं किसी से मिलते हैं और उनसे मिलके आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा ही इनसे मिलके लगा था। और ये देखो क्या टाइम पास कर रहे हैं। नानू नहीं कर, देखते हैं। नहीं सनी, ओ हाँ माही, फिर से ओके। ये चैंपियन है, पापा बस क्रिकेट खेल सकते हैं। नो ये सनी का भी हो गया, माही इस बार और हैट्रिक बन जाएगी। इधर भी छोटी छोटी धर्मशाला है यहाँ तो, साइड हो जाओ। क्या हो गया? अरे ये देखिए तालाब, एक फैमिली फोटो हो जाए। ये पानी में लाइट कितनी अच्छी लग रही है ना, पर थोड़ा सा ही पानी डाल रखा है। ये गहरा है क्या? ना अभी तो है गहरा, तो पानी डाल रखा है ना थोड़ा सा। अगर तू चले गए बस तेरे यहाँ तक पहुँचेगा। सो ये धर्मशाला, इसमें एक रूम हमने भी बनवा रखा है, यहीं पे प्रसाद होता है। सही 9 बज गए हैं, जाम वाम ना मिले तो हम जल्दी से पहुंच जाएंगे, फिर भी एक घंटा तो लगेगा ही।